विपक्षी सावधान हो चुका है। लोकसभा के चुनाव की इस पराजय से वो डर गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए। लगातार गोरखपुर और दूसरे क्षेत्रों में उनका दौरा चल रहा है। वो सावधान हो चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये समाजवादी उत्तर प्रदेश की सरकार पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आपके साथ जुड़े हुए लोगों को वो हमसे तोड़ना चाहेंगे, गुमराह करना चाहेंगे। हम कहना चाहते हैं साथियों, इस मंच से दलित भाइयों ने, खासतौर से चमार जाति के लोगों ने, इस चुनाव में कोई बस्ती ऐसी नहीं बची है जहां उनका 20-25% 50% 75% जितनी क्षमता से हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क बनाया, उसके अनुसार उन्होंने हमको इस चुनाव में मतदान किया है। ये पूरे जिले के पैमाने पर, पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर हमारी पार्टी के मुखिया भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जो लोग नहीं दिए वोट वो भी निराश है और परेशान है, क्योंकि जिन्होंने अपनी पार्टी की नीति और आस्था के साथ हाथी के निशान का ही बटन दबाया है वो आज निराश है, वो आज उदास है। इसलिए कि उन्हें पता है कि इन सामंतवादी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ अब नहीं लड़ने के मूड में है बसपा का नेतृत्व। अगर लड़ने के मूड में बसपा का नेतृत्व होता तो वो भी इंडिया गठबंधन की कतार में खड़ा होता। तो अगले चुनाव की तैयारी में, 2027 की तैयारी में, हम लोगों से मीटिंग में संकल्प कराया माननीय अखिलेश जी ने कि आज से 27 की लड़ाई शुरू कर दो। हम अपने जमानिया क्षेत्र से माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में आपसे संकल्प कराना चाहते हैं, 2027 की लड़ाई शुरू कर दो। और वो लड़ाई अपने गांव में, अपने बूथ पर, अपने अगल बगल, अपने समाज में पीडीए के फार्मूले के साथ, वो एक मंत्र है, वो एक सूत्र है, माननीय अखिलेश यादव ने कहा है। और सारे पिछड़े और सारे दलित इस बात पर सहमत है कि माननीय अखिलेश यादव ने ईमानदारी वाली बात कही है कि जाति के आधार पर हम जनगणना करा देंगे और जिस जाति की जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उसका हिस्सा दे देंगे। 2027 में आपको 80% वोट मिलेगा उसी बस्ती से। जो नहीं दे सके वो आज पछता रहे हैं, वो इसलिए पछता रहे हैं कि जब सदन में एक भी नहीं होगा, दिल्ली में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां भारतीय, वहां बहुजन समाज पार्टी का एक कैंडिडेट नहीं होगा। सब निराश है, सब उदास है, सब हताश है। उन्हें भरोसा चाहिए कि हम आपके साथ आएंगे तो आप हमारी इज्जत करोगे, आप हमारा काम करोगे, आप हमें सम्मान दोगे। अगर आप ये भरोसा दिला दिए तो यकीन मानिए ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। और